कार्य की परिभाषा बताई गई थी। अब कार्य की अवधारणा को दो भागों में बांटा गया था, कार्य की परंपरागत अवधारणा और कार्य की आधुनिक अवधारणा। तो कल के क्लास में आपको बताया गया था कार्य की परंपरागत अवधारणा क्या है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कल जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया होगा। तो कार्य की परंपरागत अवधारणा में उन अवधारणा को रखा जाता है जो पहले के टाइम में यानी पुराने समय में जिस तरीके से काम को किया जाता था वो कार्य की परंपरागत अवधारणा थी, यानी परंपरागत तरीके से जिन कार्यों को किया जाता था। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है जैसे हल व बैल से जुताई, हल व बैल से जुताई, कुएं से तालाबों से पानी भरना। ये सेकंड पेपर का आपका सबसे पहला टॉपिक या क्वेश्चन कह सकते हैं, ये आपका कार्य की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क है। मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है, सबको स्लो आ रही है या बस शालिनी को स्लो आ रही है? बहुत स्लो आ रही है मैम आवाज। हाँ, तो कार्य की अवधारणा में कल आपको बताया गया था कि कार्य की परंपरागत अवधारणा और कार्य की आधुनिक अवधारणा यानी कार्य को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम में भी परिवार में या फिर आपके अपने खुद के कार्य होते थे, लेकिन उनको करने का तरीका अलग होता था क्योंकि उस समय में नए नए तकनीकों का प्रयोग नहीं हुआ था, नए नए उपकरणों का प्रयोग नहीं हुआ था। जो भी कार्य किया जाता था उसे स्वयं अपने द्वारा किया जाता था, यानी संसाधन की कमी थी, भौतिक वस्तुओं की कमी थी, जिसके कारण जो कार्य किया जाता था उसमें काफ़ी कठिनाई होती थी, खासकर घर की महिलाओं को। तो वही मैंने अभी बताया कि ये सेकंड पेपर का सबसे पहला आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क है, कार्य की अवधारणा। ये इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन तो एकदम श्योर है कि इससे आएगा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में तो एकदम श्योरली आएगा। तो इसमें ये पूछ सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क यानी कार्य की अवधारणा क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। इसके अलावा इसमें और ऐड कर सकता है कि कार्य की परंपरागत अवधारणा का विस्तृत वर्णन करिए लॉन्ग क्वेश्चन में। तो दो अवधारणा है, कार्य की परंपरागत अवधारणा और कार्य की आधुनिक अवधारणा। तो दोनों में से कोई एक अवधारणा के बारे में आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो परंपरागत अवधारणा आपको कल समझ में आ गई होगी कि परंपरागत अवधारणा क्या है। इसमें आपको कल एग्जाम्पल में दिखाया भी गया था कि पहले के टाइम में किस तरीके से कार्य किया जाता था, घरेलू कार्य, ये घरेलू कार्य हो गया, ये घरेलू कार्य है, और ये है आपका कृषि कार्य। ये एक किसान है जो हल और बैल से खेत की जुताई कर रहा है। आप खुद सोचिए आज के टाइम में आपको क्या ऐसे देखने को मिलेगा, शायद ही मिले। आज के टाइम में आपके एरिया में, आपके आसपास के गांव में, आप जहां भी रहते हैं उस एरिया में आज महिलाएं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से कुएं से पानी भर के नहीं लाती हैं, तालाब से पानी भर के नहीं लाती हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो परंपरागत कार्य होते थे उसमें अब क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है किस वजह से? आधुनिकीकरण की वजह से। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन कह सकते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं जिससे नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ है, वो घरेलू हो या फिर बाहर के हो, यानी खेत में काम करने वाले उपकरण हो
आपके घर के कार्य के लिए उपकरण हो या फिर ऑफिस में काम करने के उपकरण हो, मतलब हर क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए हैं, नए नए शोध हुए हैं, जिससे क्या हुआ है, जो हमारे काम करने का जो तरीका है उसमें चेंजेस आए हैं। जब चेंजेस आए हैं तो वही परंपरागत अवधारणा हमारी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, बदल गई है, अब आधुनिक अवधारणा में हम आ गए हैं। तो परंपरागत अवधारणा में कार्य जी कार्य करने से, परंपरागत अवधारणा के द्वारा जो कार्य पहले के टाइम में किया जाता था, या फिर आज के टाइम में ऐसे अगर कोई जगह है जहाँ आज भी काफी पिछड़ापन है, वहाँ सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं, इसीलिए वहाँ के लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, आज के टाइम में भी वो परंपरागत तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे नुकसान होते हैं। काम करने वालों को भी नुकसान होते हैं, उनके संसाधनों को भी नुकसान होते हैं। मतलब अगर परंपरागत तरीके से कार्य किया जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं इससे समय, शक्ति और धन तीनों बहुत ही ज़्यादा व्यय होते हैं। तीनों में सबसे अधिक समय लग रहा है और समय से भी ज़्यादा अधिक शक्ति लग रही है। आप इस फिगर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता होगा ये काम करना। जैसे अगर इतनी औरतें हैं यहाँ पे, इतनी औरतों में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ये शायद देखने में प्रेग्नेंट लेडी लग रही है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उससे अगर पानी उठा के 2 किलोमीटर दूर ले जाना पड़े तो उसकी क्या स्थिति रहेगी? वो शारीरिक रूप से थकेगी, मानसिक रूप से थकेगी। तो नॉर्मल अगर कोई स्त्री है, कोई महिला है जो सामान्य अवस्था में है, उसके साथ भी ऐसा ही कंडीशन होगा। और अगर वो बीमार है, अगर वो बीमार है, शालिनी आप अपना राइज हैंड बंद कर दीजिए, जो आपने क्लिक किया था राइज हैंड उसको आप बंद कर दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। तो जो सामान्य स्त्री है जी उसे तो दिक्कत होगी ही, और कोई भी महिला जो है हमेशा सामान्य नहीं रहेगी, कभी ना कभी वो बीमार पड़ेगी, कभी वो विशिष्ट अवस्था, विशिष्ट शारीरिक अवस्था में, जैसे प्रेगनेंसी में, या फिर लैक्टिक मदर है यानी दूध पिलाने वाली माता है, तो ऐसे में कितनी दिक्कतें हो रही हैं परंपरागत तरीके से कार्य करने से। वही हाल किसानों का भी है, अगर घर की महिलाएं घर का काम परंपरागत तरीके से कर रही हैं तो समय और शक्ति बहुत अधिक व्यय हो रहा है। वैसे ही पुरुष भी जब बाहर खेतों में हल और बैल से जुताई कर रहे हैं, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करते हैं, तो माध्यम क्या है हमारे भारत के रोजगार का? ज्यादातर लोगों का रोजगार किसान से ही होता है, मतलब कृषि से ही होता है। तो जब वो तरीके नहीं बदलेंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा, शक्ति बहुत अधिक लगेगी, और शायद उतने समय शक्ति देने के बाद भी पैदावार उतना ना हो। तो इससे हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, पर्सनली तो उनके जीवन पर पड़ ही रहा है, साथ में बाकी के लोगों के जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो अगर परंपरागत तरीके से कार्य किया जा रहा है तो इससे क्या नुकसान यानी क्या हानियां हैं, या उनसे क्या दोष देखने को मिल रहे हैं? कल आपको बताया गया था थकान, परंपरागत कार्य, हाँ रानी आप कुछ कह रही हैं? रानी आप कुछ कह रही हैं? आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। और ऐसा भी हो सकता है कि आप नेटवर्क में ना हो और आपके पास भी नेटवर्क सही होना चाहिए, अगर आप नेटवर्क में नहीं रहेंगे तो फिर आवाज की, स्क्रीन की प्रॉब्लम होगी। तो आप सभी लोग ऐसा जगह सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपरली पकड़ता हो। आवाज मेरी अभी भी नहीं आ रही है, रानी
आवाज मेरी नहीं आ रही है। अच्छा वो हाँ नेटवर्क, आप लोग नेटवर्क में रहिए तभी आवाज क्लियर होगी, इधर से प्रॉब्लम नहीं है। तो कल आपको बताया गया था थकान, यानी परंपरागत कार्य करने से क्या दोष एवं हानियां निकल रही हैं। तो कोई व्यक्ति अगर परंपरागत तरीके से कार्य कर रहा है तो उसे थकान की अनुभूति होगी, यानी वो व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाएगा। कैसे थक जाएगा? एग्जाम्पल में आप एक महिला को ले लीजिए, वो महिला कपड़े उसको धुलने हैं, तो आपके पास सोचिए कि आपके घर में दो लोग हैं, तो एक लोग के पास वॉशिंग मशीन है और एक के पास नहीं है, तो एक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही हैं तो उनको कितना कम समय लगेगा, कितनी कम शक्ति लगेगी। दूसरे के पास वॉशिंग मशीन है तो कितने कम समय में वो अपने काम को कर लेंगी। तो जिसके पास आधुनिक उपकरण है, नवीन तकनीक है, तो उससे क्या हो रहा है, थकान नहीं हो रही है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने हैं तो कितने टाइम लगेंगे और कितना आपको उसमें फोर्स लगाना है, कितना बल लगाना है, यानी कार्य तब भी हो रहा है। कल आपको कार्य के बारे में बताया गया था कि कार्य क्या है, जब भी किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है बल पूर्वक, यानी कोई एक वही एग्जाम्पल में कपड़े ही ले लीजिए, कपड़े एक जगह रखे हुए हैं, अब आपको कपड़े धुलने हैं, तो कपड़े धुलने हैं, आप खुद धुल रहे हैं तब भी बल लग रहा है, और आप वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं तब भी बल लग रहा है। अंतर ये है, जब वॉशिंग मशीन में धुला जा रहा है तो कम बल लग रहा है, फोर्स पे कम दिया जा रहा है, लेकिन उसे जब खुद से धुलेंगे, बैठ के धुलेंगे, तो उसमें बल बहुत अधिक लग रहा है। यानी दोनों कंडीशन में कार्य हो रहे हैं, लेकिन समय और शक्ति दोनों में अलग-अलग व्यय हो रही है। अगर परंपरागत तरीके से कोई महिला कार्य कर रही है तो वो बहुत जल्दी थक जाएगी। कारण ये है कि वो उपकरणों का प्रयोग नहीं कर रही है, कपड़े धुलने हैं हाथ से धुल रही है, मसाले पीसने हैं तो मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग नहीं कर रही है। तो ऐसे में आपको भी पता है कि कोई भी काम आप खुद से करेंगे तो कितनी परेशानी होगी, यानी जब आप फोर्स ज्यादा लगाते हैं, यानी बल ज्यादा लगा रहे हैं, तो थकान बहुत जल्दी हो जाएगी। खुद ही आप सोचिए, अगर आपको सीढ़ी से चढ़ना उतरना हो तो आपको लगातार 4 या 5 बार आप चढ़ रहे हैं एक ही साथ, मतलब लगातार बार बार चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, कितना ज्यादा बल लग रहा है। तो इसी तरह परंपरागत कार्य में बहुत अधिक शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, जो भी महिला या पुरुष यानी उस कार्य को जो व्यक्ति कर रहा है वो बहुत जल्दी थकान की अनुभूति करता था, यानी बहुत जल्दी वो थक जाता था शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों। जब भी थकान होगी, कोई व्यक्ति जब बहुत जल्दी थक जाएगा, बहुत जल्दी तभी थकेगा जब उसके ऊपर बर्डन बहुत अधिक रहेगा, यानी कार्यभार बहुत अधिक है तो थकान भी बहुत अधिक होगी। तो थकान जब होगी तो कुंठा आएगा, कुंठा का मतलब होता है तनाव, कुंठा अगर नहीं सुना होगा आपने तो आपको तनाव पता होगा, तनाव क्या होता है। जब भी आपको बहुत ज्यादा काम दिया जाता है, पूरे दिन आपने काम किया है और आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिला है, खुद के आराम के लिए टाइम नहीं मिला है, तो क्या होता है, बहुत जल्दी झल्ला जाते हैं, मतलब शाम होते होते, सपोज कि पूरे दिन आपने काम किया है सुबह से लेकर शाम तक और आपको अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिला, तो ऐसे में क्या होगा, शाम होते होते आप पूरी तरीके से एकदम चिड़चिड़े हो जाएंगे, झल्ला जाएंगे। कारण क्या होता है कि आपके अंदर कुंठा की भावना आ गई है, तनाव की भावना आ गई है, और बहुत अधिक काम करने पे तनाव की भावना आती है, चाहे वो कोई भी रहे। आप अगर लिमिट लिमिट में, यानी आपकी जितनी क्षमता है आप उतने काम को जब करेंगे तो थकान नहीं होगा। और जो ये थकान होता है वो सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, यानी शारीरिक रूप से ही सिर्फ व्यक्ति नहीं थकता है बल्कि मानसिक रूप से भी थकता है। तो जब मानसिक रूप से थक रहा है, अगर सपोज कि शारीरिक रूप से नहीं थका है, मानसिक रूप से थका है, तब भी कुंठा की भावना आएगी, यानी तनाव का भावना मन में आएगा।
तो अगर कार्य को परंपरा आवाज देखा, राइज हैंड करिए जिनको जिनको आवाज नहीं आ रही है। मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसको और इसको दो को। अब आवाज आ रही है आप लोग को? आप लोग के फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आप लोग को भी नेटवर्क में रहना है। हेलो हाँ शालिनी, मैम, कुछ आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में जाइए, छत पे बैठ के क्लास अटेंड करिए। और बाकी लोग को शिविका चौबे, अर्पिता, समता, आप लोग को आवाज आ रही है? बाकी लोग को आवाज आ रही है? सुमन, आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, आप दोनों लोग जिनको आवाज नहीं आ रही है वो लोग नेटवर्क में जाइए, बाकी लोग को आवाज आ रही है। कुंठा की भावना आएगी, यानी जब परंपरागत तरीके से काम को करेंगे तो थकान की अनुभूति होगी, और जब ये थकान निरंतर बना रहता है तो तनाव तनाव उत्पन्न होता है। यानी परंपरागत तरीके से कार्य करने में समय बहुत अधिक लगता है, समय के साथ साथ शक्ति भी बहुत अधिक लग रही है, जिसके कारण जो महिला या पुरुष उस काम को कर रहे हैं उससे उन्हें खुद का मतलब खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। सबका कुछ पर्सनल लाइफ होता है और सबकी कुछ इच्छाएं होती हैं। अगर हम अपनी इच्छा से अपना जीवन ना जी पाए तो हमारे मन में हमेशा तनाव बना रहेगा। यानी कार्य अलग है और खुद का जीवन जीना एक अलग है। कुछ टाइम हमें चाहिए होते हैं खुद के लिए स्पेंड करने के लिए। यानी किसी को सपोज म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, किसी किसी को आराम करना पसंद है। यानी काम के बीच बीच में अपनी जो इच्छाएं हैं वो अगर ना मिले तो मन में तनाव का भाव उत्पन्न होगा। इसके अलावा अगर कोई महिला है वो पूरे दिन परंपरागत तरीके से कार्य करते करते पूरा दिन उसका बीत गया तो सारे व्यक्तियों के अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट जरूर रहता है, और उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए भी समय की जरूरत पड़ती है। यानी जो उनकी योग्यता है उसको बाहर निकालने के लिए भी समय चाहिए। यानी जो उनकी हॉबीज हैं, इच्छाएं हैं, तो निकालने का जब समय ही नहीं मिलेगा तभी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जो महिलाएं आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करती हैं, जो पुरुष आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो उनका समय बचता है, समय की बचत होती है। साथ में शक्ति की भी बचत होती है, समय और शक्ति। जब समय और शक्ति दोनों बच रहा है तो वो व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, वो उस समय में उसकी जो अपनी इच्छाएं हैं उसको वो पूरा करेगा। यानी आपको पूरे दिन काम करने को दे दिया जाए, पूरा दिन आपने काम किया और आप कुछ एक्स्ट्रा आपके अंदर टैलेंट है, कुछ करना चाहते हैं आप, जैसे पेंटिंग की आपके अंदर कला है, पेंटिंग करना चाहते हैं, मेहंदी लगाना चाहते हैं, यानी आपके अंदर वो गुण है लेकिन उसको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या होगा?
तनाव होगी, यानी अंदर ही अंदर अंदर आप झल्लाएंगे। वहीं सपोज कि आपको पूरे दिन समय नहीं मिला, और समय नहीं मिला साथ में बहुत अधिक आपने बल भी लगाया कार्य करने के लिए, और वहीं आपके बगल के घर में यानी आपकी पड़ोस में जो लड़की है उसको पूरा समय दिया गया है, उसने आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया और बहुत कम समय और शक्ति व्यय करके अपने कार्य को पूरा कर लिया, तो उसके पास समय भी बचा और शक्ति भी बची, तो उसके अंदर तनाव की भावना उत्पन्न नहीं हुई, और जो उसकी हॉबीज हैं वो बाकी के समय में अपने हॉबीज को उसने पूरा कर लिया, तो वो देख के भी आपके मन में आएगा कि उसने अपने इच्छाएं पूरी कर ली लेकिन आपको टाइम नहीं मिला। तो इसीलिए परंपरागत तरीके से कार्य करने में समय भी लग रहा है और शक्ति भी लग रही है, जिसके कारण कुंठा की भावना यानी तनाव की भावना उत्पन्न होती है। अगला है कार्यभार की अधिकता, यानी परंपरागत तरीके से अगर कार्य को कर रहे हैं। जिसको आवाज नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक है, ठीक से दिख रहा है, आवाज पता नहीं क्या हो रहा है। आप अपने राइट हैंड पे क्लिक करिए शालिनी। बहुत ही स्लो आ रही है, बहुत ही स्लो आ रही है। क्या? और मैम बहुत एकदम बहुत स्लो आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, आप राइट हैंड पे क्लिक करिए, आपको जब वीडियो मिल जाएगा आप वीडियो देख के पढ़ लीजिएगा, बाकी लोग को आवाज आ रही है। ठीक है मैम, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप क्लिक करिए अपने राइट हैंड पे, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। आप क्लिक करिए शालिनी, जो हैंड का जो ऑप्शन दिया है उस पे क्लिक करिए। कार्यभार की अधिकता यानी जब परंपरागत तरीके से कार्य को करेंगे, कोई भी स्त्री या पुरुष परंपरागत तरीके से कार्य को कर रहे हैं तो कार्यभार की अधिकता आएगी, यानी वर्कलोड बढ़ेगा। सिंपल है, आपको भी पता है, जब आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है, आपके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, आपके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, आपके पास गैस एलपीजी गैस नहीं है, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा? कार्यभार की अधिकता आएगी। यानी सपोज आप सोचिए, आप खुद सोचिए, आपको चूल्हे पे खाना बनाना पड़े और प्रेशर कुकर आपको ना दिया जाए, लकड़ी का चूल्हा हो और उस पे से आपको कोई ऐसा बर्तन दे दिया जाए जिसमें बहुत समय लगता है, प्रेशर कुकर नहीं आपके पास, तो क्या होगा, कार्यभार की अधिकता बढ़ेगी, यानी आपके आपका जो वर्कलोड है वो काफ़ी बढ़ेगा। जब कार्यभार की अधिकता बढ़ेगी तो फिर वही घूम फिर के यहीं आते हैं, यानी थकान। कार्यभार की अधिकता बढ़ने से थकान होगी, वो थकान आपका फिजिकली और मेंटली दोनों ही रूप से आप थकेंगे। तो परंपरागत तरीकों से जब कार्य को किया जाता है उससे कार्यभार की अधिकता बढ़ती है, और पहले के टाइम में परंपरागत कार्य पहले के टाइम में ही किया जाता था, आज के टाइम में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, आधुनिकरण आया है, तो उपकरणों का भी प्रयोग हम करते हैं। तो पहले के टाइम में क्या था, घर के जो काम होते थे वो सिर्फ महिलाओं के हिस्से में होते थे, यानी अगर किसी पुरुष से घर का कोई काम करा दिया जाता था तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचती थी, यानी एक तरह से ऐसा लगता था कि वो लिखित है कि घर के काम सिर्फ महिलाएं करेंगी, पुरुष उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। आज के टाइम में सोच बदली है, घरेलू काम में पुरुष भी हाथ बटा रहे हैं, इससे वर्कलोड कम हो रहा है, यानी अगर कार्यभार की अधिकता देखें तो महिलाओं पे ज़्यादा वर्कलोड रहता था, क्योंकि हर एक काम महिला को खुद करना है। यानी एग्जांपल में कल मैंने बताया था कि आपको
परंपरागत तरीके से अगर कार्य करने हैं तो चावल कूटना, गेहूं पीसना, यानी अनाजों की व्यवस्था, मसालों की व्यवस्था, सारी चीजें घर पे ही की जाती थी। और घर पे उपकरण क्या होते थे, एक पत्थर की चक्की होती थी, उसी चक्की पे मसालों को पीसा जाता था, उसी चक्की पे दाल पीसना, दाल निकालना, गेहूं चावल जो भी अनाजों को तैयार किया जाता था वो घर पे ही किया जाता था। और कौन करता था, घर की महिला करती थी। तो यानी कार्यभार किसके ऊपर ज्यादा आया, महिला के ऊपर ज्यादा आया, यानी घर की जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर सब थोप दिया गया। घर में पानी नहीं है, परंपरागत तरीके से अगर पानी की बात करें तो पानी ऐसे ही लाना पड़ता था, बहुत दूर से कुएं से पानी लेके आना रहता था। और ये जरूरी नहीं है ये कुआं आपके घर के बगल में ही हो सकता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे हो। कुछ कुछ जगहें तो ऐसे थे जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पहाड़ से चढ़ना उतरना पड़ता था महिलाओं को पानी लेने के लिए। तो क्या सिचुएशन रहता होगा, कितना वर्कलोड उन पे रहता होगा। तो पुरुष तो कार्य करते नहीं थे, उनके मान सम्मान पे ठेस पहुंचती थी। इसीलिए सारा का सारा जिम्मेदारी जो था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस महिला पे थी, जिससे कार्यभार की अधिकता उस महिला पे ही पड़ती थी। अगला आपको दिख रहा है कार्य क्षमता में कमी। कार्य क्षमता में कमी कैसे आ रही है? अगर आप इस योग्य हैं कि आपसे काम करवाया जाए, लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। एक महिला जब घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे सब कुछ थोप दिया जाए। जैसे कार्यभार की अधिकता, देखिए ये सारे हेडिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थकान हो रही है तो कुंठा का अनुभव हो रहा है, इसके कारण बहुत ज़्यादा वर्कलोड है जिसके कारण कार्य की अधिकता है, इसके कारण भी कुंठा हो रहा है, यानी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कार्यभार की अधिकता के कारण भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यानी जितने हेडिंग है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कार्यभार की अधिकता के कारण कार्य क्षमता में कमी आ रही है। जब एक महिला पे पूरे घर का वर्कलोड दे दिया जाएगा, यानी तुमको अनाज की व्यवस्था करनी है, तुमको दाल मसाले मतलब जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनकी व्यवस्था तुम्हें करनी है, पुरुष वर्ग के लोग किसानी करके अनाज घर पे लाके रख दिए, अब बाकी उसे कैसे तैयार करना है वो एक महिला के ऊपर थोप दिया जाए। तो उस स्त्री ने, उस घर की महिला ने अनाज की व्यवस्था की। घर में पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी ढो के लाना है उसे, वो चाहे कितनी भी दूरी पे हो और चाहे कितनी मात्रा में क्यों ना चाहिए हो। घर में पानी की व्यवस्था महिला कर रही है। घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों का देखभाल महिला कर रही है, यानी उनके कपड़े, उनके खाने पीने की व्यवस्था। अगर वो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उनके स्कूल जाने आने की व्यवस्था। घर में उन्हें होमवर्क कराना है तो उसकी व्यवस्था। मतलब A to Z उस महिला पे हमने सब कुछ थोप दिया है तो क्या होगा, कार्य क्षमता में कमी आएगी। एकदम श्योर है कमी आएगी। वो चाहे परंपरागत तरीके से कार्य करना हो या फिर आधुनिक तरीके से, आधुनिकरण के युग में जो उपकरणों का प्रयोग करके करना हो, यानी काम को बांटना चाहिए। एक ही लोग पे जब बहुत ज्यादा वर्कलोड दे देंगे तो कार्य क्षमता में कमी आएगी। और उस पे से भी अगर परंपरागत कार्य हो, अगर परंपरागत कार्य को एक महिला पे थोप दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक काम को अच्छा करेगी तो दूसरा काम खराब होगा, क्योंकि एक काम में वो बहुत ज्यादा समय शक्ति व्यय कर रही है तो दूसरे काम में वो उतना नहीं कर पाएगी। अगर दूसरे में कर भी रही है तो तीसरे में कमी हो जाएगी, यानी जो कार्य क्षमता है वो जो कार्य क्षमता है उनमें धीरे धीरे कमी आएगी। तो जब कमी आएगी तो इसका असर तो परिवार पे ही पड़ेगा। तो इसके परंपरागत कार्य में ये दोष हैं कि कोई भी महिला या कोई भी परिवार परंपरागत तरीके से अगर कार्य को कर रहा है तो कार्य क्षमता में या कार्य कुशलता में कमी आएगी। कारण यही है कि
उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, कार्य सरलीकरण का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे उनके कार्य क्षमता में कमी आ रही है। अगला है आपका गुणवत्ता में कमी, यानी कार्य करने की जो क्वालिटी है उसमें अब कमी आएगी। पहले तो क्षमता में कमी आई, अब गुणवत्ता में कमी। कारण आपका वही है, कार्य भार की अधिकता, यानी बहुत अधिक वर्कलोड पड़ने के कारण जो कार्य करने की गुणवत्ता है उनमें कमी आ रही है। अगर कोई महिला कार्य सरलीकरण के उपकरणों का प्रयोग कर रही है, जैसे अगर प्रेशर कुकर का प्रयोग कर रही है, तो प्रेशर कुकर में आपको पता है जब भी खाना बनाया जाता है तो उनमें जो भी पोषक तत्व हैं वो उसमें रह जाते हैं। वहीं जब अगर किसी भगौने में खाने को बनाया जाएगा, भोजन को पकाया जाएगा, तो उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो जो खाने की गुणवत्ता है उसमें भी कमी आ रही है। साथ में जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसमें भी कमी आ रही है। अगर कोई महिला है वो झाड़ू पोछा लगा रही है, उसका डेली का काम है, तो हमेशा झुक के लगाने से रीढ़ की हड्डी में इफ़ेक्ट पड़ता है। वहीं आज के टाइम में ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया, ऐसे उपकरण बनाए गए हैं जिससे पोछा लगाने के लिए उस महिला को झुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खड़े होके भी पोछा को लगा सकती है। इससे क्या होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी में इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी सिंपल है, अगर परंपरागत कार्य हम कर रहे हैं तो उससे गुणवत्ता में, यानी उस व्यक्ति के गुणवत्ता में और उनके कार्यों की गुणवत्ता में कमी आएगी। अगर वहीं कार्य सरलीकरण या फिर नए उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं तो गुणवत्ता में और भी निखार आएगा, मतलब प्लस पॉइंट यानी बढ़ेगा। तो गुणवत्ता में निखार तभी आएगा जब हम परंपरागत तरीकों से कार्य करना बंद करेंगे। यानी आप भी अगर आज के टाइम में अपने घर में परंपरागत तरीके से काम को कर रहे हैं तो उसको करना अब बंद करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी समय बचेगी और शक्ति बचेगी। जब समय और शक्ति को आप बचा ले रहे हैं तो उतने समय में आप कोई दूसरा काम करेंगे, यानी नया काम आप कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या था, आज के टाइम में भी बहुत लोग के घर पे होगा, जो परंपरागत तरीके से कार्य किए जाते थे उसमें जो रसोई घर होते थे वो कैसे होते थे, रसोई घर होता था जो उसमें नीचे बैठकर खाना बनाया जाता था, जमीन पर बैठकर खाना बनाया जाता था। यानी रसोई घर की व्यवस्था परंपरागत तरीके से अगर देखें तो जमीन पर बैठकर होती थी। उससे क्या होता था कि जमीन पर बैठ के खाना बनाया जा रहा है, जो चूल्हा है वो मिट्टी का रहता था, वो भी नीचे ही रहता था, जो उससे संबंधित वस्तुएं हैं यानी रसोई घर से संबंधित वस्तुएं हैं वो भी सब एक साथ नहीं रहती थी, कोई इधर कोई उधर, क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। पानी की व्यवस्था के लिए हमें थोड़ा थोड़ा दूर जाना पड़ता था, यानी किचन में पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। तो इससे क्या होता था, जो रसोई घर में महिला काम कर रही है यानी जो खाना बना रही है, तो उसे बार बार उठना पड़ता था, बैठना पड़ता था, यानी कोई भी चीज लेनी है तो वो उठ के जाएगी, लेके आएगी, फिर बैठेगी। पानी लेने जाना है, पानी लेने जाएगी, लेके आएगी, फिर बैठेगी। इससे क्या हो रहा है, समय बहुत अधिक लग रहा है, समय के साथ साथ शक्ति भी बहुत अधिक व्यय हो रही है। और जो उस महिला की कार्य क्षमता है उसमें भी कमी आ रही है, उसमें भी कमी आ, उसमें भी कमी आएगी। और जो उनकी गुणवत्ता है यानी उसके कार्य की जो क्वालिटी है उसमें भी कमी आएगी। आज के टाइम में आपने किचन देखा होगा कैसा है, मॉड्यूलर किचन हो गया है, यानी खड़े खड़े आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। जब गुणवत्ता में कमी आ रही है, वर्कलोड बढ़ रहा है, तो जो महिला है उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। यानी बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम करने से स्वास्थ्य पे उनके हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। और ये कारण क्या है, परंपरागत तरीके से कार्य कर रहे हैं जिससे मांसपेशियों पे, फिर आँखों पे
इंटरनल जो पार्ट्स हैं जैसे किडनी, लीवर, इन सबों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है शरीर पे, मतलब वो अचानक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। यानी अगर परंपरागत तरीके से किचन में खाना बना रहे हैं तो उठने बैठने में बहुत ज़्यादा बैकबोन में दिक्कत होगी, धीरे धीरे होगी। साथ में अगर लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं तो आँखों पे भी समस्या आएगी, यानी उसके जो धुएं हैं, आग की जो लपटें हैं, वो हमेशा उस महिला की आँख पे इफेक्ट डालेंगे। तो अगर परंपरागत तरीके से कार्य कर रहे हैं तो उसके इतने सारे दोष एवं हानियां आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कल के क्लास में पढ़ेंगे कार्य की आधुनिक अवधारणा, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। पहले के टाइम में आपको पता चल गया कि परंपरागत तरीके से कार्य को कैसे किया जाता था, और परंपरागत तरीके से कार्य को करने के बाद उनसे क्या दोष एवं क्या हानियां निकलती थीं उस व्यक्ति के जीवन पर और उनकी कार्य क्षमता पर, पूरे परिवार पर क्या बैड इफेक्ट देखने को मिलता था। अब आज का समय चेंज हो गया है, अब कार्य की आधुनिक अवधारणा हो गई है, यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। जैसा मैंने अभी बताया, मॉड्यूलर किचन यानी मॉडर्न किचन आज के टाइम में आ गया है। हर चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, वो घरेलू वस्तुएं हों, बाहर की वस्तुएं हों। जब भौतिक वस्तुओं पे चेंजेस आए हैं, उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है, नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ है, तो जो कार्य करने की अवधारणा है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क जो है उसमें भी चेंजेस आए हैं, उसी को कहते हैं कार्य की आधुनिक अवधारणा। अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, सब समझ में आ गया है। जिनको आवाज़ नहीं आई है उनको वीडियो मिल जाएगा, वो लोग अपना वीडियो बाद में ओपन करके देख सकते हैं, सारा वीडियो आपके ऐप में ही रह जाएगा। और अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले से ही ऐसा जगह सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर नेटवर्क अच्छे से आता हो, क्योंकि अगर आपके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आएगा तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी और शायद स्क्रीन भी दिखाई ना दे। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, कल मिलते हैं कार्य की परंपरागत अवधारणा के साथ, और बाकी आपको जो बताया गया है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, और बाकी आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।